हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? मैं फिजिक्स गुरुजी वाड़िया सर। आज बेटा आपके लिए सीबीएसई बोर्ड ने जो अभी पेपर सैंपल पेपर लॉन्च किया है क्लास 10th का, उस सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज ही मतलब हाल ही ये नोटिफिकेशन आया है कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी कर दिया है अपकमिंग बोर्ड के लिए, 2024 बोर्ड के लिए। तो उस पेपर का ये सॉल्यूशन वीडियो है जिसमें मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा, यानी कि उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये पेपर आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि इस बार सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है वो किस तरह का होने वाला है, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हमारे सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आएंगे और सीबीएसई बोर्ड क्या चाहता है इस पेपर के माध्यम से, वो भी एक थोड़ा सा इसको हम पेपर को रिव्यू भी करेंगे और साथ ही फिजिक्स के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी करके बताऊंगा। फिर मैं साथ ही कोशिश करूंगा आपके लिए केमिस्ट्री और बायो के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा सकूं। बाकी इस पेपर के सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं जो आपके पेपर का फ्रंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि जैसे कि आपका पेपर आता है 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 आवर्स आपको इसमें टाइम मिलेगा जो कि कॉमन है। इसमें आपको टोटल 39 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको मिलेंगे पेपर में। पेपर में 39 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 5 सेक्शंस होंगे, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई, टोटल 5 सेक्शंस आपको पेपर में डिवाइड होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हावेर एंड इंटरनल चॉइसेस आर प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। अ स्टूडेंट शुड एक्सपेक्टेड टू अटेम्प ओनली वन ऑफ दीज क्वेश्चंस, यानी कि आपको पूरे क्वेश्चन करना कंपलसरी है जिसमें इंटरनल चॉइस में से आपको कोई एक करना है। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स, यानी कि जो सेक्शन ए है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि पैटर्न जो है वो पिछले बोर्ड के पेपर की तरह ही है, ज़्यादा कुछ खास इसमें चेंज बिल्कुल भी, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो पुराना पेपर था, जो लास्ट ईयर का पेपर था, वही पैटर्न सेम है, नया पैटर्न नहीं है। कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उस सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस बार बोर्ड में से क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उससे हेल्प मिल जाएगी कि हमें किस तरह से पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो कुछ चीज़ें बदली हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चेंज हुआ है। तो जो सेक्शन ए है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसका वेटेज 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद सेक्शन बी में जो है आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जो सेक्शन बी है हमारा वो वेरी शॉर्ट टाइप रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि सेक्शन बी अपना 2 मार्क्स का होगा जिसमें आपको वर्ड रेंज भी उसने मेंशन की हुई है, 30 से 50 वर्ड्स आपको लिखने हैं। सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप होगा, यानी कि 50 to 80 वर्ड्स आपको इसके अंदर लिखने हैं, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा। ध्यान रहे वर्ड लिमिट का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स का ये होगा। और सेक्शन ई जो है ये केस बेस्ड टाइप होगा, यानी कि इसके आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपको इसमें दी जाएगी जिसमें 4 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन के मिलेंगे, इसमें आपको सब पार्ट्स भी गिवन होंगे। तो टोटल 5 सेक्शन में आपका पेपर आने वाला है साइंस का। पहला सेक्शन 1 मार्क्स का होगा, सेकंड सेक्शन 2 मार्क्स, थर्ड सेक्शन 3 मार्क्स, फोर्थ सेक्शन 5 मार्क्स एंड सेक्शन 5 यानी कि सेक्शन ई इज ऑफ 4 मार्क्स जो कि केस बेस्ड टाइप होगा। तो यह पेपर आपके लिए टोटली हम ऐसा कह सकते हैं एनालिटिकल पेपर होगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर होगा। पैटर्न लगभग लगभग सेम है, जो पिछले साल का पैटर्न था वही पैटर्न इस साल भी होने वाला है। सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो वो अपन ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ जो अपन सीरीज चल रही है इसके साथ ही मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास 2 क्वेश्चन है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव, बाकी केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन होंगे। तो 13 और 14 नंबर पर आपको फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब जरूर नहीं है पेपर में आपको 13-14 पर ही मिले, ठीक है, 11-12 पर भी हो सकता है, इसके पहले भी हो सकता है, बाकी बेसिकली 13-14 पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, मैं बात करूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है।
हमसे पूछा है इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, तो इसकी इमेज जो होती है, तो ध्यान रखना हमें एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और बिहाइंड द मिरर बनाता है हमेशा। तो इसमें तीन सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है कॉन्वेक्स मिरर में। अभी अपन ब्रह्मास्त्र के साथ सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बस मैं तो आपको पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा किस तरह का पेपर आपका आ सकता है, थोड़ा सा अपने क्या तैयारी रहे। तो ये एक तरह से सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो है, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ आपके लिए अभी नई हो। जो बच्चा बोर्ड की तैयारी अभी कर रहा है, जिसके ये सिलेबस पूरा हो गया होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके ये सिलेबस अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये पेपर थोड़ा सा मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ सॉल्यूशन। तो इसमें देखो हमारे को ये ध्यान रखना है कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है। तो पहला ऑप्शन कहना चाह रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, सेकंड ऑफ इन फ्रंट ऑफ मिरर, थर्ड भी इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो हमारा आंसर जो है वो बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि हमेशा जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। तो इसमें आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, क्लियर है। सेकेंड देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन लाइट रेज एंटर्स इन एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्टेड द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दिस इज ड्यू टू। तो जो हमारी लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो ये हमारा बेसिकली इस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये हमारा सी हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपको सेक्शन ए में, अब जो सेक्शन ए का जो अगर मैं इसको रिव्यू करूं सेक्शन ए को, तो ये आपको काफ़ी इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो हमें इससे ये पता लगा है अभी तक, तो मतलब ये हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि जो सेक्शन ए है हमारा वो थोड़ा इजी रहने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो अब केमिस्ट्री और बायो का रिव्यू करने के बाद मैं आपको बता पाऊँगा कि उनका क्या वो है स्टेटस। बाकी फिजिक्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो तो मेरे अकॉर्डिंग इजी है और कंसेप्चुअल बेस है, यानी कि वो आपको कोई फॉर्मूला वगैरह यूज़ करवाने के चांसेस नहीं देगा, आपको थ्योरी कंसेप्ट को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें हमारे पास सेक्शन ए में ही क्वेश्चन नंबर 19 वो आपको मिलेगा एसेशन रीजन टाइप, यानी कि आपको 17 से 20 वाले क्वेश्चंस एसेशन रीजन मिलेंगे, 16 आपको जो है यानी कि 1 से 16 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और बाकी तीन क्वेश्चन आपके एसर्शन रीजन के होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन फिजिक्स का, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का और एक क्वेश्चन बायो का होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया है, एसर्शन दिया हुआ है कंपास नीडल इज प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेज। अब देखो हम करंट कैरिंग वायर के पास नीडल को रख रहे हैं, तो वो कह रहा है कि जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है जब करंट इंक्रीज करते हैं। तो हमें पता है अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, मतलब हमारा डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए, बट ये तो डिक्रीज कर रहा है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि एसेशन जो है ये फाल्स है। रीजन देखो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। तो सेकंड यानी कि रीजन तो करेक्ट है, यानी कि रीजन इज करेक्ट बट एसेशन इज फॉल्स। तो एसेशन फॉल्स है बट रीजन करेक्ट है, तो इसका भी आंसर डी आएगा अपने पास। तो ये भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। अब एसेशन रीजन हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ये एसेशन रीजन आपसे तभी सॉल्व होंगे बच्चों जब आप कंसेप्चुअली अपने टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करके जाएं, ताकि आप एसेशन रीजन जैसे क्वेश्चंस में अटके ना, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 24 नंबर पे इस पे दिया हुआ है मॉडल पेपर में फिजिक्स का। क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं 3 मीडिया के, जो कि हमें टेबल में दिया हुआ है ए बी और सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइट रे मूव फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर रे मूव फ्रॉम बी टू सी। अब अगर हम ए से बी में जा रहे हैं तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, तो ए टू बी की अगर मैं बात करूँ तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और बी का 1.8 है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास रेयरर मीडियम की तरह काम करेगा और ये डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर होता है। अब रूल के अकॉर्डिंग हम ए से बी जा रहे हैं, मतलब हम डेंसर रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं। रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो हम कहाँ बैंड होंगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएंगे,
तो इस सिचुएशन में हम कहाँ बेंड होंगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर में जा रहे हैं तो जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। ऐसे ही नेक्स्ट वो कह रहा है कि बी टू सी मूव कर रहे हैं, तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8, सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये मेरे पास डेंसर हो जाएगा और ये मेरे पास रेरर हो जाएगा। तो हम डेंसर से रेरर मूव कर रहे हैं, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वी की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द टू केसेस रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो किसमें हमारी टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। अब हमें ये पूरा आंसर इस तरह से लिखना है लैंग्वेज में, ठीक है। इसके मैं वीडियो एक बना के, मतलब एक पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको पीडीएफ, जिसमें आप ये देख सकते हैं इसके आपको लिखना किस तरह से, इस पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो इसमें पूछा है किसके लिए ऐसा होगा, तो हम कह सकते हैं ए टू बी के लिए ऐसा होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि लाइट रे मूव फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट्स वाई द रिफ्लेक्टेड रे विल बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। नेक्स्ट टाइम इन विच केस द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस किस में हो रही है, सेकेंड वाले केस में, तो बी टू सी के केस में ऐसा होगा। अब उसने नीचे आपके रीजन भी पूछा है, तो रीजन अपन ने ये लिखा है क्योंकि वैन लाइट रे मूव फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, एंड वैन लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेरर इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब ये भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट उसने यूज़ किया है, आपका बेसिक रिफ्रैक्शन की नॉलेज उसने इसमें यूज़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी सेक्शन बी का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2। अब इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस दे रखी हैं। एक चीज़ मैंने देखी है पिछले बार के पेपर में और इस बार के पेपर में भी, यही कॉमन है कि वो आपसे डायग्राम, मोस्ट प्रोबेबली डायग्राम बनाने के लिए आपको पेपर में नहीं दिए जा रहे हैं। यानी कि अगर उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किसी डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आपको डायग्राम बनाकर दे रहा है। पिछले बार भी यही था, इस बार भी यही है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है कि आपको डायग्राम में नहीं उलझना है। अब इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या किया गया, इसमें 2 ऑप्शन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर है आर, इसको उसने 3 पार्ट्स में कट किया है, तो हमने कहा 3 पार्ट्स में इसको कट कर दिया हमने, तो ये 3 रेजिस्टर बन गए इसके। अब 3 पार्ट्स में कट करोगे तो रेजिस्टेंस हमारा R/3, R/3 और R/3 हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरल, अगर आप इन तीनों को पैरल में कनेक्ट करोगे, ये मैंने पैरल में कनेक्ट कर दिया, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, R/N, तो ये हमारा R/9 हो जाएगा, 3/3 यानी कि R/9 हो जाएगा। अब उसने कहा है तो रेजिस्टेंस इस केस में R1 है, तो R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, R/9 आई। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेशियो, तो हमें R1 और R का रेशियो निकालना है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी R/9 और R की वैल्यू R है ही सही, तो ये हो जाएगा मेरा 1/9, तो R1 रेशियो R जो है मेरा वो 1:9 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। इसका और हमें दिया गया है, रेफर टू द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट, व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन करंट इन दिस सर्किट इज रिवर्स। सबसे पहले बात तो हमसे पूछा है कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो आपको बताना है, तो रीजन हो जाएगा वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी आर हायर, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर, तो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, ठीक है, और इक्वेटर पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होगा क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। सेकंड, व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज रिवर्स, इफ यू रिवर्स द करंट देन पोल्स विल बी इंटरचेंज, अगर करंट को रिवर्स कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, पोल्स इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपके इसके लिए पीडीएफ आपको सेंड, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या सीन है, मतलब इसको लिखना कैसे है लैंग्वेज में।
तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन सी में। सेक्शन बी में हमारे पास दो क्वेश्चन आए थे 24-25 पे, ठीक है। तो दो अब तक हमारे पास तीन क्वेश्चन तो सेक्शन ए में मिले हमें, दो क्वेश्चन सेक्शन बी में मिले हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे सेक्शन सी में। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले व्हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। हमसे पूछा है किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन से ग्रेटर क्यों आता है। तो अगर हम किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें तो वो हमारा क्या होता है, सी अपॉन वी से दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, और जो वी है हमारे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। अब ये जब आप दोनों को डिवाइड करोगे यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे किसी मीडियम का एयर के साथ, ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वन होता है, और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू होगा, यानी कि नॉन जीरो, यानी कि वन से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो रेशो है ये हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा हमारे पास, क्योंकि जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे इसकी, म्यू एम की जगह जब आप म्यू एम की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, म्यू एम की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो सी अपॉन वी आएगी, और इसकी वैल्यू हमारे पास सी आएगी, तो इसका जो रेशो है वो वन अपॉन वी आएगा, और वी की वैल्यू जो है वो सी से हमेशा कम होती है, तो जो रिलेटिव रेशियो है वो वन आएगा ग्रेटर से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का ग्रेटर देन वन आता है। अब ये कैसे लिखना है ये भी मैं आपको लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ मिलेगी उसमें मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इन दी फिगर लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर इंटू सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक, ठीक है, गिव द रीजन वाई रे डज नॉट डेविएट। अब देखो वो चाहता है कि वो रीजन दो जब लाइट डेविएट ना हो, तो डेविएट ना होने का एक ही रीज़न है, जब लाइट जो है वो नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो। जब लाइट रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होगी तो सीधा निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। तो एक तो ये रीज़न है कि जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो बिना डेविएशन के वो सीधा निकल जाएगी। दूसरा वो कहना चाह रहा है, ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड, कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो व्हेन लाइट रे कम्स आउट द ब्लॉक। तो जब लाइट रे, अब देखो सीधी सी बात है, ये डेंसर होगा या रेयरर होगा, तो डेंसर से रेयरर मूव करेंगे तो अवे द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम हो जाए। तो उसने एक तो डायग्राम को कंप्लीट करने का बोला था, और एक कुछ हमसे पूछा था कि वो सिचुएशन बताओ जब लाइट बिना डेविएशन के सीधा निकल जाए। तो जब नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होगी तो वो सीधा निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी में, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट के आधार पर, यानी कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके सराउंडेड हीट डेवलप होती है, और वो जो हीट है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ करंट, सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस, एंड थर्ड वन इज टाइम। तीन बातों पर वो डिपेंड करती है। तो इसके अलावा जो हमारा फॉर्मूला है वो आई स्क्वायर आर इंटू टी आता है, जो हमारी हीट एनर्जी होती है टी टाइम तक। तो ये रीज़न आपको इसमें लिखना था लैंग्वेज में। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार फैक्टर लिखने हैं, लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, टेम्परेचर टी, एंड फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आपके पास थोड़े से कंसेप्चुअल बेस, प्रैक्टिकल लर्निंग बेस क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये प्रैक्टिकल लर्निंग बेस क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे पेपर में, तो आपको इसके लिए स्पेशली कंसेप्चुअली तैयार रहना पड़ेगा। अनन्या रिस्पॉन्डेड टू अदर क्वेश्चन, वाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज विद मेटेलिक बॉडीज आर कनेक्टेड टू द मेन थ्रू द थ्री पिन प्लग, वेयर एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी कनेक्टेड विद अ टू पिन प्लग। यानी कि वो कहना चाह रही है कि उसके पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है जिसकी मेटेलिक बॉडी है, उसको थ्री पिन से कनेक्ट किया जा रहा है और एक बल्ब को टू पिन से कनेक्ट किया जा रहा है, ऐसा उससे क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसका आंसर वो क्या लिख के आती है, थ्री पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। ये वो रीज़न लिख के आई है, यानी कि उससे पूछा गया था किसी ने कि आपके अगर कोई मेटेलिक बॉडी जैसे कूलर है उसको तो आप थ्री पिन प्लग से जोड़ रहे हो, लेकिन बल्ब को टू पिन प्लग से, ऐसा क्यों? तो कहना उसको कहकर आए कि थ्री पिन कनेक्शन जो है वो हीटिंग कम प्रोड्यूस करेगा,
यानी कि हीट रिड्यूस कर देगा। तो वो पूछ रहा है आपसे क्या उसका आंसर सही है, तो हमारा आंसर होगा नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो हमारा पहला आंसर होगा नॉट करेक्ट, ये करेक्ट तो नहीं है, गलत है ये। अब गलत क्यों है उसका रीजन सुनो, क्योंकि थ्री पिन कनेक्शन यूज करने का रीजन होता है थर्ड पिन जो होती है वो अर्थ वायर होता है, और उसका काम क्या होता है, वो आपको एक लो पाथ प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर कभी मेटेलिक बॉडी में अगर करंट फैल गया, क्योंकि मेटल कंडक्टर होता है, मेटेलिक बॉडी में करंट फैलने पर क्या होता है, वो उसको ग्राउंडेड कर देता है, क्योंकि वो लो पाथ प्रोवाइड करता है जिससे आपका अप्लाइंसेस जो है वो उसमें करंट फैलने से बचाता है। तो वो अर्थ वायर होता है जो थर्ड पिन होती है, उसका हीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो रीज़न ये है कि वो लो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिससे क्या होता है, एक्सेस करंट ग्राउंड हो जाती है। एक्सेस करंट ग्राउंडेड होने से क्या होता है, करंट बॉडी में नहीं फैलता, मेटेलिक बॉडी में करंट नहीं फैलेगा, इस वजह से हम थ्री पिन कनेक्शन यूज़ करते हैं, ना कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से। आगे हमसे पूछा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्यूज़, तो फ्यूज़ का फंक्शन क्या होता है, फ्यूज़ इज़ अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस। ये क्या करता है, जब भी सर्किट में एक्सेस करंट आती है तो इसके अंदर एक वायर होता है जिसे हम फ्यूज वायर कहते हैं। एक्सेस करंट क्या करेगा, एक्सेस हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होता है वो वायर मेल्ट हो जाता है, और वायर मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, वायर मेल्ट होने की वजह से फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या होगा एक्सेस करंट डिवाइस में नहीं जाएगी आगे, जो क्या एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा आपके डिवाइस को। तो फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन आर हाउस फ्रॉम एक्सेस ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम सेक्शन डी में आ चुके हैं, 5 मार्क्स वाले सेक्शन में। द अबव इमेज शो थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें जो फोकल लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में दैट इज 5 मीटर। आगे हमसे वॉट काइंड ऑफ लेंस, लेंस का नाम पूछा है, तो ये कौन सा लेंस है, सबको दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इफ अ रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय द लेंस एट अ डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, शो विद अ कैलकुलेशन वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस, यानि कि हमें इमेज की डिस्टेंस यानि कि वी हमें दे रखा है कितना, 7 मीटर। अब लेंस है तो वी पॉजिटिव लिया जाएगा, यू आपसे पूछा गया है, एफ की वैल्यू आपको दे रखी है प्लस का 5 मीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से हमें यू निकालना है, तो 1/v - 1/u = 1/f मेरे पास होता है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/u मेरे पास आ जाएगा, 1/v - 1/f। तो सॉल्व करें इसको, तो 1/v की जगह मेरे पास आ जाएगा 7 और u की जगह मेरे पास आ जाएगा 5, एलसीएम लेंगे 35। ठीक है, तो ये मेरे पास जाएगा 5 - 7, तो इट वुड बी माइनस का 2/35, तो u की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 35/2, ऑटोमेटिकली वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ गई, तो ये वैल्यू मेरे पास जाएगा लगभग 17.5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, 17.5 मीटर पे रखना पड़ेगा। ड्रॉ द लेबल डायग्राम, तो हमें 17.5 पर रखना है, मतलब लगभग लगभग हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर होगा, 17.5 पर होगा। तो रूल नंबर 1 एंड दिस इज रूल नंबर 2, तो हमारी इमेज जो है वो यहाँ कहीं जाके हमारी इमेज बनेगी। अब ये मैं आपको प्रॉपर बना के दिखा दूंगा, अभी तो मैं मेजरेबल पर एक आइडिया से आपको बना के दिखा रहा हूँ। सेकेंड इसमें कहा है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, मतलब इसका आधा करेंगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगी। कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव लेनी है, तो एफ की वैल्यू हमारे पास जो है माइनस का 20 हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास 5 सेंटीमीटर पर रखा है, वी की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वही इस बार यहाँ पे हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है, तो 1/v + 1/u = 1/f, इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है 39। अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है वो। विनीता एंड अमर डेमोन्स्ट्रेट अ सर्किट दैट ऑपरेट्स द 2 हेडलाइट्स एंड
two side lights of the car in their school exhibition. Based on their demonstrated circuit, answer the following question. State what happens when switch A is connect. अब देखो स्विच ए इज कनेक्ट टू, अब वो दो पोजीशन दे रखी है, पहले तो पोजीशन टू से कनेक्ट करो, तो पोजीशन टू से कनेक्ट करेंगे, पोजीशन टू से कनेक्ट करते ही होगा क्या, हमारा ये वाला सर्किट यानी कि ये वाला पोर्शन 4 ओम और ये 4 ओम सर्किट से हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला सर्किट ही बचेगा, बस ये वाला जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सर्किट ही हमारे पास कनेक्शन में रहेगा। अब इस सिचुएशन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प व्हेन लिट। तो अब इसमें कौन कौन से लैम्प चलेंगे, तो ये तो जीरो हो गया, इसमें भी जीरो हो गया, इसमें करंट जाएगी नहीं अपने पास, दो लैम्प हो गए। अब हमसे पूछा है यहाँ पे, पहले तो इसमें पूछा है क्या होगा, तो पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें बताना है होगा क्या, तो इस केस में हमारे 4 ओम के जो बल्ब हैं वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको वोल्टेज नहीं मिलेगी, वो डिस्कनेक्ट हो गए सर्किट से। 12 ओम के जो बल्ब हैं वही जलेंगे। अगर हम पोजीशन 3 से कनेक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको पोजीशन 3 से कनेक्ट करूँ, ये हमारी पोजीशन 3 है, तो उस केस में ये सर्किट हमारा कनेक्शन में आ जाएगा, ये हट जाएंगे दोनों, तो उस केस में 12 ओम हट जाएगा। क्लियर है? आगे हमसे बोला फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प व्हेन लिट, यानी कि आपको हर एक ओम के अक्रॉस कनेक्शन बताना है कि क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा उनके अक्रॉस अगर वो चलते हैं तो। तो अब यहाँ पर आपको सीधी सी बात है वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो सीधी सी बात है 12 ओम और 12 ओम किस में है, जब हम 1-2 से कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में 12 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है 12 वोल्ट के साथ, तो इसको भी 12 वोल्ट मिलेगी, इसको भी 12 वोल्ट मिलेगी, ठीक है। जब हम 3 से कनेक्ट करेंगे तो 4 और 4, तो इन दोनों को 12 वोल्ट मिलेगी, इसको भी 12 वोल्ट मिलेगी, तो पैरेलल में कनेक्टेड है सारे, तो सबको 12 वोल्ट मिलेगी। कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम व्हेन लिट एंड 4 ओम व्हेन लिट। तो जब 12 ओम जलेंगे तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी, वी अपॉन आर, यानी कि 1 एम्पियर, इसमें करंट कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। 4 ओम में चलेंगे तो वी अपॉन आर, यानी कि 3 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो इसमें करंट आएगी 1 एम्पियर, इसमें करंट आएगी 3 एम्पियर। शो विद कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 और 12 हैज हायर पावर। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो हमें पता है अगर हम बात करें फॉर 4 ओम, तो आई की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये मेरा आ जाएगा 9 इंटू 4, यानी कि 36 वॉट। अगर मैं 12 ओम के लिए बात करूं, तो ये मेरे पास होता है आई स्क्वायर आर, तो 1 का स्क्वायर इंटू 12, तो ये मेरा आ जाएगा 12 वॉट। तो किस में ज़्यादा पावर आई, 36 वॉट में। तो ये आपका पेपर था कंप्लीट। अब इस पेपर के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो पेपर में आपके पुराना पैटर्न ही चल रहा है, अभी तो नया कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस में कुछ रिड्यूस हुआ है, तो वो अपन ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ देख ही रहे हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो भी रिड्यूस सिलेबस होगा वो आपको कराया जाएगा, साथ ही साथ मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए जिसमें कौन कौन से टॉपिक हटे हैं वो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ इतना था, आपको सीबीएसई के नए पैटर्न जो भी पेपर आया है उस सैंपल पेपर से आपको एक बार रूबरू करा दूँ कि किस तरह का पेपर आपके बोर्ड में आने वाला है, ताकि हम उसके आधार पर ही आपकी जो आगे का पूरा जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का ब्लू प्रिंट है वो इसी सीरीज के आधार पर बनेगा, यानी कि आपको आपके बोर्ड के पेपर के पैटर्न के आधार के क्वेश्चन ही चैप्टर वाइज सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अभी भले आपको ये पेपर समझ में ना आया हो, क्योंकि अभी आपने हो सकता है पूरा सिलेबस कंप्लीट ना किया हो, यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या जो भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप उनके क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश जरूर करें जो आपने पढ़ लिया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। बाकी मैं चैप्टर वाइज आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से करवाने वाला हूँ, तो ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।